खबर जनपद चमोली से है, जहां गैरसेंड विकास खंड के माइथान में समुदाय विशेष को लेकर प्रचारित खबर का व्यापार संघ अध्यक्ष ने खंडन किया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि इस मामले में व्यापार संघ अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि संगठन की ओर से जन चेतना रैली का आयोजन किया गया था। रैली के माध्यम से नगर क्षेत्र में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की मांग की गई थी। किसी भी समुदाय को नगर खाली करने की बात नहीं कही गई है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये एक खबर भी प्रचलित हो रही है विगत दिनों से गैरसैंण में, जिसमें एक ये कहा गया कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने समुदाय विशेष को 31 दिसंबर तक इलाका छोड़ने की चेतावनी दी है। उसके क्रम में स्पष्ट करना है कि वहाँ के व्यापार मंडल संघ एवं अध्यक्ष ने आज क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके द्वारा एक जन चेतना रैली निकाली गई थी और उनकी मंशा केवल जो बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के वहाँ रेड़ी पड़ी लगा रहे थे उसके लिए थी कि प्रशासन द्वारा उनका सत्यापन किया जाए, और उनका मेन उद्देश्य था कि उनके इलाके में किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना या कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उस संदर्भ में उनके द्वारा एक रैली निकाली गई थी। और बाकी क्षेत्र में स्थिति सौहार्दपूर्ण है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, यही उसका जन चेतना रैली का मकसद था। हमारे जो ये जो इस बीच घटनाएं हुई, जो हमने एक जन चेतना रैली निकाली थी, इसमें किसी समुदाय विशेष के लिए जैसा हमने कुछ नहीं कहा। हमारा संदेश उन लोगों के लिए था जो लोग बाहर से आके यहाँ पे गलत चीज़ें करते हैं, अपराध करते हैं, और जो लोग बिना सत्यापन के यहाँ पर रह रहे थे। हमारे ये संदेश उन लोगों के लिए था कि यार 31 दिसंबर तक अपना सत्यापन करवा लें। उन मकान मालिकों के लिए था कि जिन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया है, जो ये हमारी बातों को गलत तरीके से नमक मिर्च लगा के पेश किया गया है, ये बिल्कुल निराधार है। और हम पहले भी शांतिपूर्वक रहते हुए आए हैं और अभी भी हम शांतिपूर्वक रहेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल तक मैं व्यापार संघ अध्यक्ष रह चुका हूँ यहाँ से। अभी मैं माइथान सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ, तो हम जितने भी आयोजन यहाँ पर करते हैं सारे मिलजुल के करते हैं, जो भी होता है बड़े शांतिपूर्वक। और बहुत विशेष विशेष धन्यवाद पुलिस प्रशासन का, जो लोग हमारे हर चीज़ में हमारे साथ होते हैं, हमारा तहसील प्रशासन हमारे साथ में है। तो हमने अपनी बातें उन तक भी पहुंचा दी कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष पर नहीं था, हमारा सिर्फ अपराधियों पर और जो लोग बिना सत्यापन के यहाँ पर रह रहे थे उन लोगों के लिए था, अपनी जनता को जगाने के।